बैठक में आज क्या क्या हुआ? आज खास तौर पे बैठक का आयोजन गया जिले में किया गया है। पटना रेल जिले के सभी थाना प्रभारियों को, सब इंस्पेक्टर साहब को और डीएसपी साहब के साथ यहाँ बैठक की गई। अब विशेष तौर से पितृपक्ष को नज़र में रखते हुए ये बैठक का आयोजन किया गया है। यहाँ पे पितृपक्ष में रेलवे स्टेशन पे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, किसी भी प्रकार की चोरी की घटना ना हो। जो यात्री आ रहे हैं बाहर से, हमारे गेस्ट, वह सुरक्षित आएँ और यहाँ से कार्यक्रम, अपना पूजा का कार्यक्रम समाप्त करके और सुरक्षित यहाँ से अपने गंतव्य को लौटें। इसी आशय से ये हमारी तैयारी के तहत आज ये मीटिंग आयोजित की गई है। और मीटिंग में सारा विमर्श हुआ, हर एक बिंदु पर विमर्श किया गया। आरपीएफ के लोग भी इस मीटिंग में शामिल हुए और जितने भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पॉइंट बनाए गए, हम लोग फिजिकली सारे पदाधिकारियों के साथ घूमकर सारे पॉइंट्स का मुआयना हम लोगों ने किया है कि कहाँ पे क्या हमारी आवश्यकताएं हैं और उसे कैसे हम लोग पूरा करेंगे, इस बातों पे चर्चा हुई है। कितने जवान सर इस पितृपक्ष मेला में रहेंगे? इस पितृपक्ष मेला में हमारे रेल की तरफ से लगभग 350 पदाधिकारी और जवान इसमें शामिल होंगे, जिनकी ड्यूटी रेलवे स्टेशन पे होगी। इसके अलावा आरपीएफ के भी पुलिस पर्सनल और पुलिस ऑफिसर रहेंगे और दोनों मिलके समन्वय स्थापित करके और सारे डिप्लॉयमेंट पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि 24 घंटे का डिप्लॉयमेंट होगा, 3 शिफ्ट में होगा। सीसीटीवी कैमरे भी, 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। उस पॉइंट्स को भी, जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, उस पॉइंट का भी हम लोगों ने मुआयना भी किया है। और सीसीटीवी कंट्रोल रूम को इफेक्टिवली हम लोग हैंडल करें ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे, यात्रियों का सुरक्षित आना जाना बना हुआ रहे। महिला बटालियन कितना यहाँ पे सर इस महिला बार? फोर्स भी आएगी। महिला फोर्स भी लगभग 100 महिला फोर्स रहेंगी। पुरुष बल के साथ महिला बल भी रहेगी और इसके साथ उनके रहने का व्यवस्था और बाकी सारी जो एमिनिटीज़ हैं उसके बारे में भी चर्चा हम लोगों ने किया है कि किस तरह से वह व्यवस्था बनाई जाएगी। और यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म पे ये प्लान है कि पुलिस सहायता केंद्र बनाई जाए, जहाँ पे कम से कम एक पदाधिकारी और 4 बल 5 बल वहाँ पे रहें और एक साउंड सिस्टम, पोर्टेबल साउंड सिस्टम के साथ रहें, जिसमें अनाउंसमेंट होता रहे और वहाँ पे रजिस्टर रखी जाएगी और वहीं पे जो भी कष्ट वाले लोग होंगे वहीं पे हम लोग पुलिस सहायता केंद्र पे ही उनकी वो सुनेंगे। और हम लोग वाकी टॉकी भी रखेंगे, वायरलेस सेट भी रखेंगे, जिससे हम लोग आपस में कम्युनिकेशन, सारे डिप्लॉयमेंट पॉइंट के लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे। कोई एक सपोज करिए कि किसी नॉन प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है, वहाँ पे कोई पब्लिक जनता आती है जो कष्ट में है और वहाँ का ऑफिसर महसूस करता है कि सीनियर ऑफिसर को तुरंत कम्युनिकेशन करना है, तो वो भी तंत्र के माध्यम से हमें कम्युनिकेशन कर सकेगा और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग उस पर एक्शन करेंगे।